दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सेमेस्टर के ऊपर है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सेमेस्टर क्या होता है। दोस्तों, आपने सेमेस्टर शब्द ज़रूर सुना होगा, शायद आप जानते भी होंगे या कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है कि जिनको पता है या नहीं पता है, तो इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि सेमेस्टर होता क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया लाइक मार दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सेमेस्टर का अर्थ होता है 6 माही, यानी कि 6 महीने में एक बार पढ़ने वाला, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेमेस्टर और हिंदी में कहते हैं 6 माही। तो 6 माही को कहते हैं सेमेस्टर। तो दोस्तों, यह पढ़ाई में उपयुक्त, ये कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसको सिर्फ पढ़ाई में प्रयोग इस समय कर रहे हैं लोग। तो शैक्षणिक वर्ष का एक हिस्सा जिस समय के दौरान एक शैक्षणिक संस्थाएं कक्षाएं आयोजित करता है, यानी कि शैक्षणिक वर्ष यानी कि पढ़ाई का वह हिस्सा, यानी कि पूरे साल में पढ़ाई होती है, तो उसका एक हिस्सा जिस समय के दौरान एक शैक्षणिक संस्था यानी कि स्कूल कॉलेज वाले परीक्षाएं आयोजित करते हैं। दोस्तों, समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यह इसका परिभाषा है। तो दोस्तों, सीधे शब्दों में कहा जाए तो 6 माही यानी कि सेमेस्टर, यानी कि एक साल आपकी पढ़ाई होती है, तो एक साल के बाद अगर एग्ज़ाम होता है तो ईयरली एग्ज़ाम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर एक साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं यानी कि 6 महीने पढ़ाकर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उसे हम सेमेस्टर कहेंगे। अगर 6 महीने पढ़ाकर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर, फिर 6 महीने पढ़ाएंगे और एग्ज़ाम लेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर आपको होते हैं, और 1 साल के कोर्स में 2 सेमेस्टर, यानी कि 3 साल के कोर्स में 6 सेमेस्टर होंगे। दोस्तों, कहीं कहीं पढ़ाई सेमेस्टर से होती है, जैसे कि मैंने बताया 6 6 महीने करके, और कहीं कहीं पढ़ाई आपकी 1 ईयर के बाद एग्ज़ाम होता है, तो उसको हम ईयरली कहते हैं। तो दोस्तों, कहीं कहीं 6 माही होता है, कहीं कहीं ईयरली होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।